बड़वानी जिला बोरिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला स्तरीय बैठक का गोई स्थित निजी सर्विस स्टेशन पर आयोजन किया गया, जिसमें सभी बोरिंग संचालक एकत्रित हुए। सभी ने आम सहमति से कहा कि डीजल के दामों में बढ़ोतरी तथा केसिंग पाइप के दाम बढ़ने से बोरिंग के भी दाम बढ़ाए गए हैं। अब 100 रुपये फीट के हिसाब से बोरिंग किया जाएगा। केसिंग पाइप का रेट 400 रुपये प्रति फीट रहेगा। विनोद सीतोले ने बताया कि बोरिंग के दामों में बढ़ोतरी की वजह डीजल के बढ़ते दाम और केसिंग पाइप का रेट पहली बार चौगुना बढ़ना है। बैठक में तय किया गया है कि निर्धारित रेट से कम रेट पर बोर करने वाले संचालक पर एसोसिएशन के द्वारा 51,000 रुपये का दंड लगाया जाएगा। वहीं इसकी सूचना देने वाले को 10,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। मीटिंग में विनोद छितोले, आरिफ शेरी, अयुब शेरी, देवा भाई सोलंकी राजपुर, राममूर्ति तमिलनाडु, प्रवीण सोलंकी बोरलाय, जयस भाई अशोक पुराट राजकोट सहित जिले के लगभग 50 संचालक मौजूद रहे। मेरा नाम विनोद छितोले है, मैं पानसेमल से हूँ। ये हमारे बोरिंग एसोसिएशन का मीटिंग हुआ है। डीजल का रेट 90 से 92 रुपये हो गया है, इसलिए हम लोगों को कम भाव में बोर करना पोसा नहीं खा रहा। गाड़ियों में नुकसान हो रहा है और धंधा करके कोई पैसा हाथ में प्रॉफिट नहीं हो रहा, इसलिए हमने बोरिंग का रेट 100 रुपया फिट तय किया है। केसिंग पाइप का रेट 400 रुपया फिट तय किया है। देश आज़ाद हुआ जब से केसिंग पाइप में 80% का तेज़ी कभी नहीं हुआ, पहली बार 80% का पाइप में तेज़ी हुआ है, तो इसलिए हमको बोरिंग का पाइप का रेट भी बढ़ाना पड़ रहा है। डीजल भी 90 से 92 रुपये हो गया है। क्या तय किया गया मीटिंग आगे? बोरिंग का रेट 100 रुपया फीट रहेगा, 100 रुपया प्रति फीट रहेगा, 500 फीट तक यही भाव रहेगा। बाद में 10-10 रुपया स्टेप रेट हमारा बढ़ता है हमारे एसोसिएशन के हिसाब से। पूरे बड़वानी जिले में अगर कोई आदमी बोरिंग कम में करेगा उसे 21,000 रुपया इनाम फाइन दिया जाएगा। और जो आदमी बोरिंग गाड़ी वाला कम रेट में बोर करेगा उसे 51,000 रुपया बोरिंग एसोसिएशन द्वारा फाइन किया जाएगा और पकड़ाने वाले को 10,000 रुपया नकद इनाम दिया जाएगा। जो भी किसान, जो भी दलाल, जो भी एजेंट ये बोले प्रूफ कर देगा कि भाई ये गाड़ी वाले ने कम में रेट किया है, कम रेट में बोर किया है, उसको 10,000 रुपया नकद इनाम हमारे द्वारा दिया जाएगा। आज मीटिंग में कहाँ कहाँ के बोरिंग संचालक आए? बोरिंग में हमारे सारे पदाधिकारी आए हैं। हमारे श्री राममूर्ति जी सर तमिलनाडु से है, राकेश जी पाटिल साहब राजपुर से है, कमल स्वामी जी राजपुर से है, देवा भाई हमारे बड़वानी से है, और हमारे राजकोट एसोसिएशन वाले सारे बोरिंग गाड़ी वाले भाई साहब सब आए हुए हैं पूरे जिले के। जी सर जी, अयुब भाई आए, हमारे अबरार कासमी जी आए हैं, हरीफ भाई आए हैं,